हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। महीने का 1 से 2 लाख रुपया सैलरी क्या कुवैत में सच में मिलता है या ये एक बस अफवाह है? इसका क्या रियलिटी है? सच में कुवैत में सैलरी कितना होता है? तो अगर आप कुवैत में महीने का 1 से 2 लाख रुपया कमाने के लिए आना चाहते हैं तो आज के वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए एंड चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, कुवैत जैसे आप में से बहुत सारे लोग कुवैत में आना चाहते हैं जिसके कारण मेरे वीडियोस देखते हैं, तो आपको भी पता चलना चाहिए कुवैत में रियल में कितना सैलरी मिलता है, कौन सा काम के लिए कितना तक सैलरी मिल सकता है या लोगों को मिलता है, स्पेशली जो लोग नया कुवैत में आते हैं उन लोगों को। गाइस देखिए, कुवैत में ज्यादातर लोग दो ही काम पे आते हैं, एक तो घर का काम या दूसरा कंपनी का काम। ये दो कैटेगरी में लोग बहुत ही ज्यादा कुवैत में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे घर का काम का सैलरी कितना होता है। घर में अगर आप आने वाले हो या आना चाहते हो तो घर में काम क्या होता है? घर में एक काम होता है ड्राइविंग का, दूसरा होता है हाउस बॉय हाउस कुक। घर में जो लोग घर का क्लीनिंग का काम हो यानी घर का अंदर का काम, तो जो लोग ड्राइवर्स होते हैं आते हैं ड्राइविंग करने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, उनका काम क्या होता है? बच्चों को स्कूल छोड़ना, अपना मैडम को या सर को इधर उधर लेके जाना या खर्चा करना बाजार में जाके, ऐसा काम होता है उन लोगों का। तो ड्राइविंग का सैलरी कुवैत में कितना मिलता है, जो लोग फ्रेशर्स है नया आना चाहते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। उनका स्टार्टिंग सैलरी कुवैत में होता है 90 KD, 100 KD या 120 KD तक होता है उनका सैलरी। इससे ज़्यादा बहुत ही कम केसेस में मिलता है। ज़्यादातर लोग, जहाँ तक मैंने इंफॉर्मेशन लिया है, बहुत सारे लोगों से मैं बात किया है जो लोग काम करते हैं घर में, ज़्यादातर 80 KD, 90 KD या 100 KD, हाईएस्ट होता है 120 KD, उसका ऊपर बहुत ही फ्यू केसेस में अगर किसी को नसीब से मिला है तो वो मिलता है, नहीं तो इतना ही सैलरी होता है घर का काम का। एंड जो हाउस बॉय होता है, हाउस बॉय जो लोग हाउस घर का अंदर काम करते हैं, कॉफी सर्व करते हैं, ये लोग का सैलरी 90 KD, 80 KD, 90 KD, 100 KD पकड़ लीजिए, इतना तक सैलरी मिलता है, जो इंडिया का लगभग होता है 25 से या 26 हज़ार। आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं, अभी का रेट चल रहा है 267, तो आप लोग कैलकुलेट करके कितना सैलरी मिलता है घर का काम में आने के लिए, आप लोग आइडिया लगा लीजिए। दूसरा, कंपनी का काम। कंपनी में बहुत सारा काम रहता है, बहुत सारा। होटल लाइन में आप आओगे या ड्राइविंग लाइन में आओ, डिलीवरी का काम पे आओ, एंड ऑल्सो बहुत अदर्स जॉब रहता है, कॉफी शॉप का काम रहता है, एंड ऑल्सो दूसरा कंस्ट्रक्शन लाइन का काम रहता है, टेलर का काम रहता है, दूसरा दूसरा कैटेगरी का काम रहता है कंपनी। सबसे पहले होटल लाइन का बात करते हैं। होटल में क्या काम होता है? रेस्टोरेंट होता है कुवैत में, उनका अंदर क्या होता है? किचन स्टाफ, उसके बाद काउंटर स्टाफ या तो वेटर्स। तो अगर हम किचन स्टाफ का बात करें कुवैत में, जो लोग किचन में आते हैं, किचन हेल्पर भी अगर आप बोलेंगे तो बोल सकते हैं किचन हेल्पर या किचन स्टाफ, उनका बेसिक सैलरी कुवैत में होता है 100 KD। स्टार्टिंग होता है 100 KD सैलरी या 120 KD। किचन हेल्पर्स या वेटर्स का अगर हम लोग बात करेंगे, जो लोग फ्रेश आएंगे कुवैत में, उनका सैलरी 100 KD या 120 KD तक मिलता है। जिसके पास एक्सपीरियंस है, गल्फ रिटर्न है या इंडिया में होटल मैनेजमेंट किया हुआ है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इंग्लिश मालूम है, बेसिक अरबिक भी मालूम है, उनका सैलरी थोड़ा ज़्यादा होता है, वह अलग है। लेकिन जो लोग फ्रेशर्स कुवैत में आएंगे नया, उनका सैलरी 100 KD, 120 KD तक होता है। उससे ऊपर बहुत ही कम केसेस में मिलता है। ज़्यादातर केसेस का सैलरी इतना ही होता है 100 KD, 120 KD। जो लोग काउंटर में आते हैं, कैशियर, एज ए कैशियर और काउंटर स्टाफ बोल सकते हैं, उनका सैलरी 150 KD होता है। उनको इंग्लिश आना चाहिए, कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए, उनका सैलरी 150 KD होता है। उससे अगर आपके पास एक्सपीरियंस है ज़्यादा तो थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है कैशियर का, 180 KD, 200 KD तक मिल सकता है कैशियर का, लेकिन आपको इंग्लिश मालूम होना पड़ेगा, आपके पास एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, इंडिया में भी आपका कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, बस आपको इंग्लिश थोड़ा बहुत मालूम है, पढ़ना आता है, तो आप लोगों का सैलरी कुछ इस तरह का ही होगा। लेकिन जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको थोड़ा ज़्यादा मिलता है, हर एक काम में थोड़ा ज़्यादा मिलता है, गल्फ रिटर्न होने से तो बहुत ही अच्छा सैलरी मिल जाता है। बाकी दूसरा जो जो कैटेगरी का काम है वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, अभी बात करते हैं 1 लाख से 2 लाख क्या सच में कुवैत में सैलरी मिलता है या नहीं। तो देखिए, 1 लाख या 2 लाख, उससे भी ज्यादा कुवैत में लोगों को सैलरी मिलता है, महीने का 4 लाख 5 लाख रुपया सैलरी मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक को मिल जाएगा, आपको भी मिल जाएगा, मुझे भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। किन लोगों को मिलता है,
हाई सैलरी 1 लाख 2 लाख किनको मिलता है? जिनके पास एक्सपीरियंस है। होटल लाइन में भी आपको 1 लाख रुपया सैलरी मिल जाएगा, बड़ा बात नहीं है, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस होना बहुत ही जरूरी है। स्पेशली आपने गल्फ में काम किया है तभी जाके आपको इतना सैलरी मिल सकता है। जिनके पास गल्फ का एक्सपीरियंस है उन लोगों को 1 लाख से 1.5 लाख सैलरी महीने का मिल जाता है। जो अगर होटल का बात करेंगे तो जो शेफ लोग होते हैं उनको मिलता है, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस होता है। अभी कुवैत में आप पहली बार आए हो, आने के बाद 2 साल 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट का आप काम किया, उसके बाद आप यहाँ से ट्रांसफर लेके आप दूसरा जगह में जब जाओगे तो आपको 1 लाख रुपया तक सैलरी मिल जाएगा या उससे ऊपर मिल जाएगा। जो काम आपने किया उसका ऊपर डिपेंड करेगा किस काम का आपके एक्सपीरियंस है। लेकिन पहली बार आप कुवैत में आओगे, किसी ने आपको कुवैत से डायरेक्ट इंडिया से कुवैत में आपको हायर किया है, तो उतना सैलरी आपको कभी भी नहीं मिले इन सब कामों में। तो जो लोग एडुकेटेड है, इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, वो लोगों का बात अलग है। मैं उन लोगों का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आप जैसा, मेरे जैसा, आपका जैसा नॉर्मल लोगों का बात कर रहा हूँ। नॉर्मल लोगों को कुवैत में जो सैलरी मैंने बताया ऐसा बेसिक सैलरी रहता है। आप में से बहुत सारे लोगों को वीजा मिला होगा या आपने अप्लाई किया होगा, आपको ऑफर लेटर मिला होगा। आपका सैलरी कितना है कमेंट में जरूर बताइए। ऑल्सो किस काम का सैलरी का ऊपर आपको वीडियो चाहिए ये भी कमेंट में बताइए। आपका कमेंट का ऊपर नेक्स्ट वीडियो आएगा, आपको कौन सा काम का सैलरी जानना है। जो कमेंट ज्यादा आएगा जिस काम का, उस काम का मैं सैलरी डिटेल्स आप लोगों को बताऊंगा। एंड ऑल्सो ट्राई भी करूंगा कि ये जो काम करते हैं, काम का किसी भी बंदा से मिल के उसका मुंह से ही आप लोगों को सुनाने की कोशिश करूंगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।